हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज गिवन बाय, चार ऑप्शंस है, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमिथल क्वांटम नंबर या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? इंटीग्रल नंबर्स होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन के का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं एंड उसकी स्टेट मेंशन करते हैं। सो हमारे पास चार टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं, एन, एल, एम एल एंड एम एस। ठीक है, यस को सिंपली एम एस को कई जगह आप एस भी देखोगे, ठीक है, स्मॉल एस। सो एन रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली बात है कि ऑर्बिट के अंदर ही रहेगा, कहीं पोजीशन में रहेगा, ठीक है। सो हम इसे एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट भी बोल सकते हैं या आपका साइज ऑफ द ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो यही होता है आपका एन, जिसकी वैल्यूज आपकी वन हो सकती है, टू, थ्री, अप टू एनी नंबर हो सकती है। एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर। अब देखिए, ऑर्बिटल जो एक ऑर्बिटल होता है उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है, उसके एंगुलर मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो जिसका मैग्नीट्यूड होगा उसको डिफाइन करता है आपका क्वांटम नंबर कौन सा, एल, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसका दूसरा नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसका काम क्या है, शेप बताने का, ये ऑर्बिटल का शेप बताता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज हमेशा जीरो से लेकर एन माइनस वन तक होती है, ठीक है, और पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है जीरो से एन माइनस वन तक। सो हमसे शेप ऑफ द ऑर्बिटल पूछा है ना, तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल तो एल बताता है, और एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रेस्ट आपके यहाँ से इनकरेक्ट मार्क कर सकते हो। एम एल होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो आपका और ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम था, जिसका जब डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्शन के बारे में जो बताता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, और ये ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है। मैग्नेटिक जो आपका ऑर्बिटल होता है वो किस और किस एंगल पे ओरिएंटेड है वो बताता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज माइनस एल से प्लस एल तक हो सकती है। एंड एस या फिर एम एस जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन आपके क्लॉकवाइज अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो इसके लिए प्लस माइनस हाफ की वैल्यू एलोकेट की जा सकती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।